सो गाइज, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएनसी मशीनिंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अप्रेंटिसशिप के सभी ट्रेडों के पिछले वर्ष की परीक्षा का क्वेश्चन बैंक व आंसर शीट डीजीटी की वेबसाइट से ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सीएनसी मशीनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं या कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अप्रेंटिस अगर आप आईटीआई से कर रहे हैं या दसवीं पास से कर रहे हैं, तो दोनों लोग के लिए ये वीडियो में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप आईटीआई से हो या नॉन आईटीआई हैं, तो आप सभी लोग जैसे भारत सरकार की जो कंपनियां हैं डीआरडीओ, इसरो, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, ऐसी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसी सभी कंपनियों में आप अगर अप्रेंटिसशिप पाते हैं, तो आपको ट्रेनिंग जो मिलती है बहुत अच्छे से मिलती है। इसलिए आपको डीजीटी ने अप्रेंटिस एग्जाम कराने के लिए कंप्यूटर में टेस्ट की प्रक्रिया चालू कर दी है और सभी एग्जाम है और सीबीटी हो रही है। सीबीटी की एग्जाम होने की वजह से आपको ये जो क्वेश्चन बैंक व आंसर शीट है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये डीजीटी ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और अगर आप नॉन आईटीआई हैं या आईटीआई हैं, तो आईटीआई अगर आप आईटीआई हैं, तो आपको आईटीआई में एक पेपर केवल देना पड़ता है अप्रेंटिस का, ट्रेड थ्योरी का। अगर आप नॉन आईटीआई हैं, तो आपको जो पेपर होता है चार पेपर देना पड़ता है, उसमें आपको ट्रेड थ्योरी का भी देना पड़ेगा और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी देना पड़ता है और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी देना पड़ता है और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी पेपर देना पड़ता है। और इसमें आपको जो ये सब एग्जाम का क्वेश्चन बैंक है और आंसर शीट है, आप डीजीटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक आपके फ़ोन में भी डाउनलोड हो जाता है, आप वहाँ से बहुत अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई से रहेंगे, तो आपको एक साल की कोर्सेस होती है अप्रेंटिस का। अगर आप नॉन आईटीआई दसवीं पास से हैं, तो आपको पहले 3 साल का होता था, अब डीजीटी ने 2 साल कर दिया है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से आप अपने क्वेश्चन बैंक को पिछले साल वाला देख कर उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम कर देंगे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए डीजीटी ने अपने वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिया है इस उद्देश्य को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे देखें और डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में रीड करें, और ताकि उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना हो। इसलिए हम आपको सभी ट्रेड के बारे में, जो अप्रेंटिस होते हैं सभी ट्रेडों के बारे में, सभी का हम क्वेश्चन बैंक और आंसर शीट डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। इसके लिए आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए होंगे, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल पर क्लिक कर देना है। और गूगल पर क्लिक करने के बाद आपको ये मोबाइल वर्जन में आप हैं, आपको डेस्कटॉप वर्जन करने के लिए आपको यहाँ पर जो कॉर्नर में थ्री डॉट है, वहाँ पर क्लिक करना होगा। ये देखिए, आप ये डेस्कटॉप वर्जन पे आ गए हैं। आप यहाँ पर टाइप करेंगे www.bharatskill.gov.in। आप देख रहे हैं मैंने टाइप कर दिया गूगल में, आपको यहाँ से सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट खुल के आ रहा है, उस पर bharatskill.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये खुल के साइट ओपन हो गया। आप देख रहे हैं क्वाइट 19 का एडवर्टाइज आ रहा है।
इसको आप क्रैश के मार्क पर क्लिक करके कैंसिल स्किप कर देंगे और आपको ये भारत स्किल डॉट जी ओ वी डॉट इन डीजीटी की वेबसाइट है, ये आपको ओपन हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय। अब आप इसके नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कौशल भारत, कुशल भारत। उसके नीचे आए आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, सी टी एस, सी आई टी एस, अप्रेंटिस और शॉर्ट टर्म कोर्सेज। मैंने आपको बताया है कि हम आपको अप्रेंटिस के बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करेंगे और आपको क्योंकि अप्रेंटिस का क्वेश्चन बैंक और आंसर शीट डाउनलोड करना है इसलिए आप अप्रेंटिस पे क्लिक करेंगे। ये मैंने अप्रेंटिस पर क्लिक कर दिया, ये साइड मतलब पेज ओपन हो रहा है, नेट स्लो हो जाए कारण से आपको ये देखिए खुल गया। और आपको जैसे जिस ट्रेड का सभी ट्रेडों का लिस्ट आ गया, आप जिस ट्रेड का आपको क्वेश्चन बैंक व आंसर शीट डाउनलोड करना है आप उस पर क्लिक करके क्वेश्चन बैंक आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी ट्रेड है इसमें, करीबन 170-180 के आसपास, उससे भी ज़्यादा हैं लगभग, हमें लग रहा है ये करीबन 200 के आसपास है, 200 के ऊपर है। आप इसमें 200 ट्रेड से अप्रेंटिस कर सकते हैं, अगर आप आईटीआई हैं या नॉन आईटीआई हैं तो भी कर सकते हैं। हम आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बताया था कैसे डाउनलोड, हमने जैसे हमको फीटर का डाउनलोड करना है तो हम क्या करेंगे फीटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। फीटर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये देख रहे हैं आपका ये आ गया, इसमें लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल पर सिलेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, तो ये स्टडी मटेरियल सिलेक्ट का मार्क लगा हुआ है तो हम क्वेश्चन बैंक पर कर देंगे तो ये क्वेश्चन बैंक पर आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन बैंक पर देख लिया, सिलेक्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन बैंक आ गया। और यहाँ देख रहे हैं लिखा है फीटर ATS ब्लॉक क्वेश्चन बैंक। ATS का मतलब होता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम। तो आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम, ये अप्रेंटिस का ही कोर्स है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जो ये पेज बना हुआ दिख रहा है ना आपको, पेड फीटर क्वेश्चन बैंक के नीचे और ये फीटर ATS ब्लॉक क्वेश्चन बैंक के ऊपर जो लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक कर देंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए ये डाउनलोड होने के लिए मांग रहा है, मैंने डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा, जैसे ओपन होगा हम आपको दिखा देंगे ये पेपर कैसे डाउनलोड हुआ है, इसमें क्या क्या सिस्टम है। ये देखिए डाउनलोड हो गया है, ये ऊपर देखिए डाउनलोड होकर आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये है आपका देख रहे हैं फीटर ब्लॉक मॉडल सेफ्टी का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन आंसर है, ये सभी आपको दिखा रहा है, 23-17 क्वेश्चन है इधर, और नीचे में जाएंगे तो आपको ये 105 पेज में है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन ऐसे ही है, आप ऐसे बैक करके ये इंग्लिश लैंग्वेज में आप हिंदी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से बैक कर दिया और होम पे जाके अगर हमको दूसरा ट्रेड का डाउनलोड करना है तो मैंने बैक कर दिया और या आप होम पे क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये नीचे दिया टर्नर, टर्नर का हमको डाउनलोड करना है तो मैंने टर्नर पर क्लिक कर देंगे। जो टर्नर पर क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं स्टडी मटेरियल पर सेलेक्ट है तो हमको क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है तो क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो क्वेश्चन बैंक के नीचे है बुक की तरह छपा हुआ है, मतलब कि कह सकते हैं ये PDF की तरह छपा हुआ है, स्कैन किया हुआ पेज की तरह है। तो इसको आप उसके बीच में क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, मैंने क्लिक कर दिया डाउनलोड हो रहा है, ये ओपन हो गया। ये देखिए टर्न लिखा हुआ है ऊपर ना, टर्नर ATS सिस्टम अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम क्वेश्चन बैंक। तो आप इसमें देख रहे हैं टर्नर का थियोरी लेवल 1 डाउनलोड हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन है कार्यशाला में आग बुझाने के लिए
किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लीज़ भाई आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे CNC मशीन, उस पर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचना चाहिए, इसलिए आप इसको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए आप, और कमेंट भी कीजिए आपको जिस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, आपको जिस बारे में अप्रेंटिस CITS से संबंधित जानकारी चाहिए, सभी आप इस पर कमेंट जरूर कीजिए। तो हम आपको दिखा रहे थे, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, ये सब पूरा है, टर्नर से है, आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें आप इसको 17 नंबर का क्वेश्चन है, और ये देख सकते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे सभी क्वेश्चन हैं, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से आप घर बैठ के मोबाइल में या किस लैपटॉप में बैठ के आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको हम बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे, आप की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये हमारा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। ये हम आपको दूसरे ट्रेड के बारे में बता दें, ये दूसरा ट्रेड का अगर आपको डाउनलोड करना है तो बैक करना पड़ेगा, बैक कर दिया मैंने, मशीनिस्ट का डाउनलोड करना है तो मैंने मशीनिस्ट पे क्लिक कर दिए, ये देखिए, और ये देखिए जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल पर ये सेलेक्ट है, मैंने हमको क्वेश्चन बैंक का डाउनलोड करना है तो हम क्वेश्चन बैंक पर क्लिक कर देंगे, मैंने क्वेश्चन बैंक पर क्लिक कर दिया, देख लो हाईलाइट क्वेश्चन बैंक पर हो गया। अब ये क्वेश्चन बैंक हो गया तो क्वेश्चन बैंक मशीनिस्ट क्वेश्चन बैंक के नीचे आपको देखेंगे तो आपको एक आयत के आकार में ये बना हुआ PDF के रूप में जैसे वो दिख रहा है, जैसे बुक स्कैन करके रखा हो, कोई फोटो खींच के ऐसे रखा हो, तो उसके बीच में क्लिक करना है, बीच में आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड, मैंने बीच में क्लिक कर दिया, ये देखिए डाउनलोड होने करने के लिए मांग रहा है तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। ये वीडियो डाउनलोड है, आप देख रहे हैं ATS मतलब अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्वेश्चन बैंक, ATS क्वेश्चन बैंक। तो आप मशीनिस्ट थ्योरी का देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है सुरक्षा के संदर्भ में PPE का पूर्ण रूप क्या है, PPE का पूर्ण रूप क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आप इसमें सभी चार ऑप्शन दिए हैं, ऐसे आप सभी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो CBT एग्ज़ाम जो होता है ना वो बहुत कम समय के लिए होता है, वो 90 मिनट के लिए और 2 घंटे के लिए होता है, 2 घंटे में आपको अगर तैयारी नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे, टाइम तो ज़्यादा रहता है मगर आप तैयारी अगर नहीं करते हैं तो आप नहीं कर पाओगे। और इसमें आपको अप्रेंटिस में 3 चांसेस केवल मिलते हैं, अगर अप्रेंटिस की आप जैसे रेलवे या DRDO ISRO जैसे गवर्नमेंट संस्था में आप कंपटीशन निकाल कर आप पहुँच गए, अगर आप वहाँ पर 3 चांसेस मिलता है आपको, अगर 3 चांसेस में आप अप्रेंटिस का एग्जाम क्लियर नहीं करते तो आपकी अप्रेंटिस कैंसिल हो जाती है DGT की तरफ से, तब आपको नया अप्रेंटिस किसी दूसरे जगह से करना पड़ता है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि आप इसमें है 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस 7 नंबर का क्वेश्चन भी है, 10 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दिया है ये देख रहे हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे आप सभी देख सकते हैं, ये नीचे तक भी ऐसे क्वेश्चन है, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, ये 85 नंबर का क्वेश्चन है, ये 57 पेज में है। तो ऐसे हम बैक कर देंगे और हमको आपको दिखाएंगे दूसरा ट्रेड का अगर डाउनलोड करना है, जैसे मैंने बैक कर दिया, ये देखिए बैक करने के बाद मैंने आपको नीचे ले जा रहे हैं, आपको और नीचे ले, जैसे हमको अगर बेल्डर का डाउनलोड करना है गैस एंड इलेक्ट्रिक का, तो बेल्डर भी देख रहे हैं, ये बेल्डर का है, बेल्डर के आइकन पर जो है इस पर हम क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये स्टडी मटेरियल पर सिलेक्ट है, आपको क्वेश्चन बैंक पर ये क्वेश्चन बैंक पर क्लिक कर देना है, कि जैसे आप क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करेंगे तो वो ये दिखेंगे आपको, नीचे आ जाएगा गैस एंड इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन बैंक, तो आप इसके बीच में क्लिक कर देंगे, आप इसके बीच में क्लिक करेंगे तो आपको इसका भी आपका जो डाउनलोड हो जाएगा PDF में, आप इसको भी डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो हम आपको ओपन करके दिखा देंगे, ये डाउनलोड हो गया, ओपन हो रहा है, ओपन होके आ गया, तो ओपन जैसे हुआ तो आप देख रहे हैं ATS क्वेश्चन बैंक अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम, ये अप्रेंटिस का एक ही वो है, इसको शॉर्ट
में कहते हैं ATS अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम क्वेश्चन में, इसमें देख रहे हैं बिल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक थ्योरी लेवल 1। तो आप इसमें पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्डिंग प्रक्रिया एक लाभ है। तो आप ऐसे पढ़ के आप सभी क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं, अपने बुक से तैयारी करके आप इसमें से टिक लगाएंगे और आप क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। इसमें आंसर शीट भी है, आपको हम बता दें आंसर शीट इसके पीछे होता है, जैसे आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर आंसर शीट मिल जाएगा, नीचे साइड इसका आंसर शीट भी रहता है। आंसर शीट के लिए हम आपको दिखा दें, ये देखिए जैसे पूरा वो 120 क्वेश्चन था तो इसमें 120 का ये देखिए आंसर शीट भी है। आंसर शीट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आंसर की, इसमें आप आंसर की देख के आप इसको टिक लगा के देख सकते हैं। ऐसे लेवल 2 का आ गया बिल्डर का, इसके बाद यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसका पहला की क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए बिल्डिंग जोड़ की पहचान करें। बिल्डिंग जोड़ की पहचान करें, आपको यहाँ पर नीचे एक चित्र दिया होगा उसमें आधार पे आपको उस पर टिक मारना है। तो आप इसे बैक करते हैं, हम आपको दूसरा ट्रेड का भी डाउनलोड करके दिखा देते हैं। और इस पर होम पे जो है, अगर बैक नहीं कर पा रहे हैं तो होम पर क्लिक कर देंगे तो भी आप होम पे आ जाएंगे। ये देखिए होम पे जैसे आएंगे तो आपको फिर से अप्रेंटिस पर क्लिक कर देना है। अप्रेंटिस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको सभी ट्रेडों का लिस्ट आ जाएगा, आप जिस ट्रेड का लिस्ट का डाउनलोड करना है उस ट्रेड पर आप क्लिक करके आप अपना ट्यूशन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे मुझको डाउनलोड करना है इलेक्ट्रीशियन का, तो हम इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक कर देंगे। तो इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक करने के बाद ये एसटीटी मटेरियल पर सिलेक्ट है तो हम क्वेश्चन बैंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ATS ब्लॉक क्वेश्चन बैंक 1 पार्टन सेमेस्टर वाइज, और इस यहाँ पर भी दिया है इलेक्ट्रीशियन ATS ब्लॉक क्वेश्चन बैंक ब्लॉक 2 सेमेस्टर पार्टन। तो आपको जो भी डाउनलोड करना है ऐसे पार्ट ब्लॉक 1 पर करना है तो ब्लॉक 1 पर क्लिक कर देंगे। ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करने के लिए मांगे तो आप डाउनलोड कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये वीडियो जैसे ये वीडियो डाउनलोड हो, ये PDF डाउनलोड होगा, आप इसमें ओपन करके आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का आप रिवीजन कई बार करेंगे तो आपको जैसे आपकी रिवीजन होती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस होता है, आप जानते हैं कंप्यूटर बेस में आपको ज़्यादा समय लगता है। ये देखिए आपका क्वेश्चन बुक आ गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सभी आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे आप एक से लेके सभी क्वेश्चन डाउनलोड करके देख सकते हैं, और नीचे आपको आंसर शीट भी मिल जाएगा, आंसर शीट से आप मिला सकते हैं। और मिला के आप देखिए आंसर शीट है, आप सेफ्टी का प्रैक्टिकल की पेपर है, इसका आंसर शीट यहाँ पर है, आप यहाँ से भी प्रैक्टिकल का भी देख सकते हैं, सभी चीज़ का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। भाई आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। और ऐसे आप सभी को आप अपने ग्रुप में, अपने ITI ग्रुप में या ITI कर रहे हैं उनको भी शेयर करें, या अप्रेंटिस आप जिस कारखाने से कर रहे हैं, जिस संस्थान से कर रहे हैं, वो आप उन सभी स्टूडेंट को पास शेयर करो और सभी को बताओ कि अप्रेंटिस की तैयारी आपको यहाँ से हो जाती है। क्योंकि आप जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं तो आपको मौका नहीं मिल पाता तैयारी के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अच्छा पड़ेगा कि आप यहाँ से तैयारी करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप हमारा YouTube चैनल को ज्वाइन कर लें, जो CNC मशीनिंग के नाम से YouTube चैनल चलता है, ऐसे आप सभी का डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे मैं बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद आपको मैं दिखा दूँ, आप यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रीशियन ब्लॉक नंबर है इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया इसी तरीके से आप डाउनलोड कर, अब मैंने बैक कर दिया। आप जैसे आपको लग रहा होगा कि लाइनमैन वायरमैन ये सब आता है तो लाइनमैन का भी डाउनलोड करना है तो लाइनमैन पर क्लिक कर दीजिए आपका, और क्वेश्चन बैंक पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन बैंक पर क्लिक कर दिया, ये क्वेश्चन बैंक आ गया लाइनमैन क्वेश्चन बैंक। तो आप यहाँ पर लाइनमैन क्वेश्चन बैंक पर क्लिक कर देंगे तो लाइनमैन का क्वेश्चन बैंक जो है इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड के लिए मांगा, इस पर हमने
डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, डाउनलोड हो रहा है। आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको CITS और ITI और अप्रेंटिस से संबंधित जानकारी आपको फुल मिलता है और कैंपस का भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। ये देखिए डाउनलोड हो गया है, ये डाउनलोड हो रहा है अभी। इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए हम जैसे डाउनलोड हो जाएगा हम आपको ओपन करके दिखा देंगे। अभी डाउनलोड नहीं हुआ, जैसे डाउनलोड होता है हम आपको ओपन करके दिखा देंगे उस क्वेश्चन के बारे में। देखिए अभी ये 13 MB का है, जैसे डाउनलोड होगा हम आपको दिखा देंगे। और इसी तरीके आप सभी ट्रेडों का डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड होकर ओपन हो गया, हम दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है ATS क्वेश्चन बैंक लाइन मैन थ्योरी लेवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा क्षति के कारण बनता है, ये पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षति का कारण बनता है, तो इसमें आप देखकर आप ऐसे पढ़कर आप उस पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद आप ये फिगर वाला भी क्वेश्चन है, आप फिगर देख सकते हैं। आप इसी तरीके से आप लास्ट में जाएंगे तो आपको आंसर शीट भी मिल जाएगा, आप आंसर शीट से मिलान भी कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन 21 नंबर का है, चित्र में दर्शाए गए हस्त औजार का पहचान कीजिए। और ये नीचे देखिए आपको मिल रहा है 23वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस जोड़ में दो या दो से अधिक केबल को आपस में जोड़ना शामिल नहीं है। तो ऐसे आप सभी पढ़ सकते हैं आप अपने अपने ट्रेड के बारे में। ये देखिए ये हो गया, मैं बैक कर देता हूँ और बैक कर देता हूँ। आप यहाँ से ये डाउनलोड हो गया। आपको मैं एक और ट्रेड के बारे में दिखा देता हूँ, जैसे वायरमैन के बारे में दिखा दे रहा हूँ। वायरमैन पर क्लिक करेंगे तो आप वायरमैन का भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल पर सिलेक्ट है तो क्वेश्चन बैंक पर सिलेक्ट कर देंगे तो क्वेश्चन बैंक आपका डाउनलोड हो गया। ये जो आयत के आकार में बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होकर ओपन हो गया है। हमको कमेंट में आ रहा था कि सर आप मतलब कई लोगों ने हमको कमेंट किया कि भाई आप इस पर भी वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा कि अप्रेंटिस के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, अब बस आपको अपलोड करनी है। तो आप ये अप्रेंटिसशिप के लिए वीडियो आ गया है, आप इसमें अप्रेंटिसशिप ला लें, आप देखकर इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये देखिए सभी ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही डीसी धारा को कहा जाता है, एक डीसी धारा को कहा जाता है ये क्वेश्चन है। आप इसमें जवाब देख सकते हैं 4 हैं। और ऐसे आप देख सकते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन है और 11वां नंबर का क्वेश्चन फिगर से है। इस चित्र में जो दिया है उसको पहचान कर बताना है ये क्या है। ये टेस्टर दिया हुआ है, ऐसे सभी दिया हुआ है, आपको पहचान कर बताना है। प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल CNC मशीनों को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।